अमृतसर दे विच अज एक वड्डी वारदात सामने आई है जिथे कि लुटेरिया वालों एक कार चालक ते हमला किया गया पर कार चालक ने अपने बचाव दे विच गोली चलाई जिस दे विच कि एक लुटेरे नूं उसने ढैटेरी कर दिता। तो तस्वीर असीं तुहानूं अमृतसर दे हाईवे दीआं सांझीआं कर रहे हैं। तो जिहड़ी है कार तुसीं इस वेले अपनी टी वी स्क्रीन ते देख रहे हो इहदे विच रणजीत सिंह जिहड़े ने उह आ रहे सी ते जदों अचानक उहनां दे उत्ते हमला हुंदा है तां उह अचानक घबरा जांदे ने। घबराने तो बाद अचानक उन्होंने उत्ते दो बंदे आके हमला करते हैं, उन्होंने गड्डी खोलने की कोशिश करते हैं। तो की घटना वापरी? साढ़े नाल रणजीत सिंह मौजूद ने। सर की हादसा वापरिया जी? सर वेखो जी, मेरी शॉप आ जी पिंड वल्ला वा जी, इतने लागे ही लगभग किलो डेढ़ किलोमीटर के एरिए च। तो मेरी रिहायश है जी न्यू प्रताप नगर। तो मैं अपनी दुकान तो आ रहा है, तो मैं बाथरूम करने वास्ते आ गया छोटी सड़क से। तो मैं इतने आके गड्डी खिलारी, मैं बाथरूम करके तो गड्डी बैठ गया अपनी च। बैठन सार ही मैनू एक बंदे ने इधरों घेर लिया, तो एक उधरों दोनों वैपन मेरे इधर गड्डी लाते, तो आपे दरवाजा खोलिया उन्होंने मेरी गड्डी का। मैं चाबी लाई नहीं, गड्डी खुली ही, उन्हें मैंने खोल के मैंने कहते बाहर निकलिया। तो मेरा वैपन मेरी सीट पर पिया है, मैं अपने वैपन हाथ पा के नाल ही बाहर कढ़ लिया। महाराज जानता उन्होंने नहीं समझ लगी कि कोल कोई चीज़ हैगी है। जब मैं वैपन लैके अपना बाहर निकलिया तो उन्होंने मैनू, मैं पछाण गया, उन्होंने मैनू अपने दोवें वैपन मेरे सिते तान ले, एक ने उधरों एक उन्हें कहा जो है कर लो। मैं कहा भरा गड्डी जी है जो कुछ है, गड्डी जी पेमेंट पई सी मेरे को 1.5 लाख रुपए की। उन्हें गड्डी वाल नूं ध्यान कर लिया और जब मैं पिछे गया अपनी गड्डी जी, उन्होंने दोवां ने मेरे वाल वैपन तानते, तो उन्होंने मेरे ते मैनू मारन की कोशिश की। गड्डी के अंदर पिया सी समान सारा? हां, मेरी वैपन मेरे अपना थैले थले, मेरे विच रोटी वाला डब्बा जी, मेरा रोटी वाला डब्बा पिया जी, इहदे विच मेरा पानी वाली बोतल पई हुई है, इहदे विच टिफिन पिया घरों खड़ी का जो रोज रोटी वाला डब्बा वा, ये थले मेरा वेपर हमेशा ही पिया होंगे, मेरा लसेंस ये पिया हों जी। तो मैं जो बाहर निकलिया वा तो इन्होंने मैं जो मेरे वाल हथियार ताने आ, तो मैं फायरिंग करने की कोशिश की, मेरे को लॉक नहीं खुला दो तीन मिनट वास्ते। ठीक है, मैं इन्होंने क्या, मैं भरा मेरे तो भी वैपन है जो तुम जो है लुटना लुट दो, मेरे को हथियार वैपन नहीं खुला। जो खुला वा मैं फायर किए हैं, मेरे को पहला फायर खाली गया वा, तो पांच फायर मेरे जो रिवाल्वर चलाओ है, पंजे मैं चलाते हैं। वो मैनू नहीं पता एक बंदे नूं लगे आ, दूजे नूं लगे कि नहीं लगे। मैं तो यो बेनती करता जी, ये क्रिमिनल को एक बंदे जो लगे वो को दोवों को पिस्टल सी, एक बंदे को चार रौंद ते उहदा रिवाल्वर सब कुछ मिल गया, पुलिस ने लै लिया। दूजे बंदे को रिवाल्वर सी, अगले बंदे भज गया। मैं तो यो बेनती करता कि वो जल्द तो जल्द उन्होंने सिरे फड़ के, जो भी फड़िया जाता फड़ के तो उन्होंने उत्ते बनती कार्रवाई की जाए। लुटेरे से किन्नी उम्र सी अंदाजा कुछ? 30 दे लगभग, 30 साल दे लगभग हैगे, मुंडे जवान हैगे दोवें। मैनू महाराज जदों किसे ते असीं ते बंदे हैगे ना, जिंदगी लड़े ना किसे नाल झगड़े ना, साडा वैर ना विरोध, असीं किसे नाल वैर विरोध नहीं रखिया कदे, असीं नॉर्मल बंदे हैगे मेहनत करन वाले। तो सानूं ते पता नहीं उहने किहड़े वाले आ गए अगे किदां करता, मैं ते हैरान परेशान रह गया कि बणिया की मैनूं। किथे पिस्तौल किथे लाई तुहाडे? उहनां महाराज इक उधरों मेरे गड्डी दे अगे पिस्तौल लाती ना, इक उधरों लाती किधरों लाती, जदों मैं उत्थों वैपन अपना कुदरती मेरे पिया ही मेरे हाथ च आ गया। मैं रखदा हमेशा उत्थे अपनी सीट ते, जब मैं लै के बाहर निकलिया उन्होंने समझ नहीं की वैपन हैगा। जो मैं उन्होंने कहा मैं मेरे तो वैपन हैगा, उन्होंने भैं मैंने छूट करने की कोशिश की पर वो चलिया नहीं। और महाराज जी बाबा दीप सिंह की कृपा ना, मैनू नहीं कोई समझ लगी, मेरे तो नहीं चलिया कि चर, पर जो मेरे तो फैर होए है एक बंदा छूट हो गया, एक बंदा भज गया। हाँ, दोवों का वैपन से एक चार रौन तो वैपन उन्होंने जड़े चार। इस तरह की वारदात बहुत वधिया जा रही है, पिछे एक पेट्रोल पंप भी इदा की लुट हुई थी, भी इस तरह का काम सामने आया। देखो जी, अं तो आप लड़न वाले बंदे नहीं है, सानू सरकार ने वैपन इस करके दिते है कि तुम मेहनत करने वाले बंदे जे, तुम सही बंदे जे, तो अं तो अपनी रखिया से साढ़े को चलते नहीं, अं तो मां रब ने महाराज ने इत बचा ली, अज जान नहीं तो गई सी, अं तो गए सी अज। कोई किन्ने पैसे सी तुहाडे को? कुछ मेरे को 1.5 लाख रुपया ही, अज अज रब वालों 1.5 लाख। सोना भी होंगे, गोल्ड का काम आ जी, सोने का काम आ, पेंड दुकान सानू एक जोड़ लाने वास्ते 1 लाख रुपया सैट दे जे ना, एक ला 500 रुपया लैना जोड़ लाने वास्ते, तो वो 1 लाख रुपया चार बंदे देन दो देने तो लुटिया जाए ना माल इदा ही, फिर की करा। शक है तो किसी से? कुछ नहीं, किसी से शक नहीं। तो बिल्कुल तुम एक बार फिर तस्वीर उस कार दी दिखा रहे हैं, तो इस कार नूं तुसीं वेख सकते हो कि इस कार दे विच जिहड़ा है जदों रिश्तेदार रणजीत सिंह आ रहे सन, तो अचानक उन्होंने कनपट्टी ते कार दे उत्ते माफ़ करना पिस्तौल लगा दी गई, तो उस तो बाद उन्होंने मुश्किल नाल अपना बचाव किया। तो जदों बाहर निकले तो उन्होंने एक चतराई वरती, तो उसने उन्होंने अपना जरा वैपन से वह अपने कर, लेकिन दसया जा रहा कि उन्होंने झाड़ियों के झाड़ियाँ तुम इस वे टी वी स्क्रीन पर वेख रहे हो, इतने
नौजवान जिहड़े ने इत्थों बाहर निकल रहे इस तरह की गल्लां पुलिस वल्लों आखियां जा रहियां ने, लेकिन रणजीत सिंह हणा वल्लों ये अपनी एक समझदारी वरती गई तो जदों उन्हां दी आपस च झड़प हुंदी है तो झड़प दे विच उन्हां वल्लों फायर कढ़िया जांदा है तो जदों उन्होंने फायर किया तो उस दे विच इक लुटेरा जरा सी ढैटेरी हो गया जिस पासों नजायज़ पिस्टल भी बरामद होया। आओ जानने इस मामले की कहना पुलिस के अधिकारियों का, क्योंकि पुलिस वालों जी इस मामले कार्रवाई भी की जा रही है। गार्डन इनकलेव के सामने बाहर खड़े हैं रोड से, सानू रणजीत सिंह हैगे ने ज्वैलर, वो दुकान करते ने बल्ला रहायश उन्होंने प्रताप नगर, उन्होंने इनफॉर्मेशन दी है भी मैं इतने पेशाब करने लई गड्डी अपनी रोकी तो झाड़ियाँ ने लागे, झाड़िया चो दो बंदे निकले गन पॉइंट से लुटन की कोशिश की, लुटन की कोशिश की तो इन्होंने बचाव किया तो रणजीत सिंह ने फायरिंग की अपने बचाव लिए गन पॉइंट तो उन्होंने जो तैना इन्हों करता जी शूट तो वो एक दी मौके पर डैथ हो गई है, वो बॉडी भिजवाती हुई है मोर्चरी अगलेरी कार्रवाई ली, दूजे की सर्च जारी है। जिहड़े बंदे दी मौके पर डैथ हुई है जी उहदे को असीं सर्च की आदे एक पिस्टल नजायज़ के नाल चार राउंड ते मैगजीन मिलिया, फिलहाल आइडेंटिफाई नहीं हो सकिया बंदा, आइडेंटिफाई कर रहे हैं ते अगलेरी कार्रवाई जो रणजीत सिंह की स्टेटमेंट मुताबक उन्हें लुट्टन पाए ने उहदे ते कार्रवाई करांगे। फिलहाल तो रणजीत सिंह की स्टेटमेंट मुताबक लुटेरे ने, इहदी वेरीफाई सर्च करांगे सारा। तो दूसरा जिहड़ा हैगा इन्हां दे दसण मुताबक जख्मी आ, फिलहाल तो नहीं सानू कितें ट्रेस होया, तो थ्रू आउट पंजाब मैसेज करवा दिता भी जे किसी हॉस्पिटल भी एडमिट आ गोली लगन की हालत च तो सानू जो इनफॉर्म किया जाए। सर ये अपना जरा होया कि गोलियां चलिया क्रॉस फायर नहीं होया, उन्होंने कोशिश की रणजीत सिंह चलाने की पर हाफ काक होने करके उन्होंने वैपन नहीं चल सकिया, रणजीत सिंह वालों फायरिंग हुई है तो वो मौके पर मौत हो गई है, बाकी हुण सर्च करके वेरीफाई कर देखांगे। पिछे एक पेट्रोल पंप भी लुटिया ही उही लुटेरे ने, कोई इदां दी गल है नहीं? वो तो देखो हुण वेरीफाई करन ते आ जी, नैक्सट कार्रवाई अमल च लियांदी की रणजीत सिंह दी स्टेटमेंट ते परचा दर्ज करन लगे हां जी, ते उहनां नूं आइडेंटिफाई करांगे जिहड़े बंदे हैगे ने लुटेरे। थैंक यू। तो तुम वेख्या कि पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि इस मामले के एक लुटेरा जरा है मार गिरा दिता गया है, तो लुटेरे ने जरा है ये जे ज्वेलर से इन्हों पासों खोह की कोशिश की तो जो इन्हों वालों फायर किया गया जिस कि उस लुटेरे की मौत हो गई, तो उस पासों एक नजायज़ हथियार चार जरे ने होर जे पिस्टल बरूद होंगे ने जी गोलियां होंगे ने वो बरामद भी किए गए हैं, तो इस अलावा कुछ जी गोलियां चलियां ने वो भी कुछ बरामद की गई हैं। तो फिलहाल इस मामले पुलिस घोख कर रही है कि आखिरकार दूसरा साथी कितने है, पुलिस के मुताबिक दूसरे साथी नूं भी गोली लगी है जिसकी भाल की जा रही है, लेकिन वड्डा सवाल है कि हाईवे ते जिस तरीके नाल लुटा हो रही ने, क्योंकि बीते दिन बहुत सारे मामले सामने आए थे, अगर असी खास करके माझे की गल की जाए तो तकरीबन 10 दिन पहला एक पेट्रोल पंप से भी इस तरह की लुट हुई जिस कि एक लुटेरे को मार गिराया गया, असी तो 2 दिन पहला माना वाले एक इस तरह पेट्रोल पंप से लुट होंगी है, तो अज रात जो एक व्यक्ति घर पहुँच जा रहा है अपने तो उस जगह पर रुकता है तो अचानक उसके उत्ते लुटेरे वार कर देते, इतों साफ साफ हुंदा है कि जी सड़क ने वो उन्न सुरक्षित नहीं ने, तो कितना कितने पुलिस को इत्थे जी है अपनी नफरी तेज करनी पेगी। तो फिलहाल इस मामले के एक लुटेरा मार गिराया गया है तो पुलिस वालों कार्रवाई की जा रही है, हम देखना होगा कि बाकी दूजे साथी को पुलिस फड़न कितनी कामयाब होंगी है, फिलहाल यह व्यक्ति कौन है इसकी तलाश भी की जा रही है, इसकी भाल की जा रही है, तो इस को लाइसेंस पिस्टल कितों आया इसकी भी तस्दीक पुलिस वालों की जा रही है, लेकिन एक लुटेरे को मार गिराया गया है और एक वड्डी लुट की वारदात होने तो बचती नजर आ रही है। कैमरामैन अजय सुमित खन्ना, ग्रेट पंजाब टीवी, अमृतसर।